Good morning students, hope you are all doing well. So today we are going to start our next chapter of economics class 12, that is chapter 10, government budget and the economy. And in today's lecture we'll do the first two concepts, that is the concept of government budget and second is the objectives of government budget. So what is government budget? Government budget is simply a statement of the expected receipts and expected expenditure of the government for the financial year to come. सी गवर्नमेंट बजट एक सिर्फ स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट हेयर मीन्स एक लिस्ट है जिसके अंदर हम कुछ एक्सपेक्टेड या फिर एस्टिमेटेड रिसीट्स, रिसीट्स क्या होती है, इनकम, उनके बारे में लिखते हैं. एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब जो जितना भी खर्चा होना है उसके बारे में हम मेंशन करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम. दैट मीन्स जो आगे आने वाला साल है उसके बारे में जब हम पहले ही प्लान करते हैं कि हमारा कितना रिसीट होगा, हमें कहाँ कहाँ से इनकम सोर्सेज होंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी, उसकी जब हम एक स्टेटमेंट या फिर लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट बजट. बेसिकली द बजट शोज द टू थिंग्स. वन इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट वन ईयर. पिछले एक साल के अंदर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या थी उसकी हमें यहाँ से डिस्क्रिप्शन मिलती है. एंड सेकेंड इज द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट वन ईयर. एंड आगे आने वाले साल के अंदर जो गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की बजट के थ्रू उनको डिक्टेटेड किया जाता है, जिसके इन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री. सो बेसिकली गवर्नमेंट बजट हैज टू एस्पेक्ट्स. वन इज द रेवेन्यू एंड अदर इज द एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. रेवेन्यू सिंपली होता है जितने भी एक्सपेक्टेड रिसीट्स, जितनी भी हमें एस्टिमेशन होता है कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम आएगी. एंड एक्सपेंडिचर द एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ पे एक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. बेसिकली फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हम किसको लेते हैं, 1 अप्रैल to 31 मार्च. एंड जो गवर्नमेंट की बजट होता है उसको बनाने के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. वन इज द ग्रोथ एंड अदर इज द स्टेबिलिटी. ग्रोथ हेयर स्टैंड्स फॉर जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी को कंट्री की जीडीपी प्रोडक्शन को बढ़ाते जाना. एंड स्टेबिलिटी हेयर मीन्स कि कंट्री के अंदर जितने भी ट्रेड साइकिल्स आते हैं लाइक मंदी, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ना हो और कंट्री एक स्टेबल और स्मूथ वे से चलती जाए और वहां पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत ही ज्यादा लेवल तक सॉर्टेड हो. सो बेसिकली गवर्नमेंट बजट को हम यूनियन बजट भी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर से ऑलमोस्ट एवरी ईयर बोर्ड के अंदर इन पॉइंट्स के अंदर से कोई ना कोई पॉइंट डिमांडेड होता है इन क्वेश्चन फॉर्म विद एक्सप्लेनेशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी हर स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड जीडीपी इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन एन इकोनमी. तो जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी. गवर्नमेंट के बजट का सबसे मेन या फिर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो इंडिया है उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़े. अब बड़े कैसे, इट इज अचीव्ड इन टू वेज. इसके लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं. वन इज थ्रू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज थ्रू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट मीन्स कहीं बिजनेस में पैसा लगाना. तो यहाँ पे पब्लिक मीन्स पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करती है या गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है. गवर्नमेंट कैसी चीजों पर इन्वेस्ट करेगी, सी कोई ऐसे इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर में ही सेटअप करता, जितने भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है लाइक ऑन रोड्स, ऑन डैम्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रेशन डिपोज खोलने, ऐसी सारी चीजें कहाँ आती हैं, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. एंड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट मीन्स गवर्नमेंट के अलावा जो पब्लिक है या फिर जो प्राइवेट इंडिविजिबल्स हैं, जब वो बिजनेसेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो बिजनेसेस इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी जिससे कंट्री की जीडीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब प्राइवेट इंडिविजिबल्स जब भी बिजनेस करते हैं उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना. तो उनको हम कैसे, जो गवर्नमेंट है उनको कैसे इंड्यूस कर सकती है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. अब जब उन्हें हम बहुत सारे तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, फ्री लाइसेंसिंग कर दें, टैक्स रिबेट्स दे दें, तो ऐसी सारी चीजों के अंदर दे फील मोटिवेटेड टू स्टार्टअप द वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस. सो इन दो तरीकों से हम कंट्री की जीडीपी को एक्सपैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज
आर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सिंपली रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि कंट्री के अंदर दो चीजों के अंदर बैलेंस बन जाए. वन इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड इज द सोशल वेलफेयर. कहते जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दे अर्न प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बट साइमल्टेनियसली जो कंट्री की सोसाइटी है या फिर जो कंट्री की सोशल वेलफेयर है वो भी उसके साथ साथ चले. यहाँ पे एग्जाम्पल है मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ज्यादा से ज्यादा किन गुड्स का प्रोडक्शन हो? कंज्यूमर गुड्स. अब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो कंट्री सोशली वेलफेयर होगी, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंड्यूस करने के लिए अगेन गवर्नमेंट बजट के अंदर उन्हें सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन या फिर रिबेट्स प्रोवाइड करेगी. एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक एल्कोहल सिगरेट ड्रग्स, ऐसी चीजों का प्रोडक्शन कम. अब ऐसी चीजों के प्रोडक्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देगी? ज्यादा से ज्यादा टैक्स इम्पोज करेगी. टैक्स इम्पोज करने से प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम. रीजन बीइंग ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं दे विल डीमोटिवेट द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही वो सिर्फ देखते हैं एंड सोशल वेलफेयर पर्सपेक्टिव नहीं होता. थर्ड इज द बैलेंस रीजनल ग्रोथ. हेयर बैलेंस रीजनल ग्रोथ इज फॉर एरियाज, द वेरियस एरियाज जो भी हमारी कंट्री के अंदर हैं. सी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अलग अलग जो एरियाज हैं दे आर नॉट इक्वली डेवलप्ड. कुछ बहुत ही एडवांस्ड हैं, कुछ बहुत ही वीक हैं, कुछ बहुत ही रिमोट एरियाज हैं. तो यहाँ पे बजटरी पॉलिसी का मेन फोकस होता है कि जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं उन सारे रीजन्स की डेवलपमेंट हो और वो कहीं ना कहीं अर्बन के बराबर या फिर जो अच्छे एरियाज हैं उनके बराबर आ सकें. अब बैकवर्ड रीजन्स की डेवलपमेंट कब होगी? जब वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी, बिजनेस यूनिट्स होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. ये सब करने के लिए हमें किनको इंड्यूस करना पड़ेगा? अगेन इन्वेस्टर्स को इंड्यूस करना पड़ेगा. और इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए हम उनको लिबरल टैक्स लॉस, लिबरल हेयर मीन्स फ्रीडम टैक्स लॉस, टैक्स में छूट दे दें, उन्हें सब्सिडीज दे दें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दें, कुछ और बेनिफिट्स दे दें, जिसकी वजह से वो ऐसे एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी. और ऐसे एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप करना इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इसमें सिंपल है कि बजटरी पॉलिसी जो होती है वो जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है कि जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएं. अब रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगी तो आसपास के जितने भी लोकल लोग हैं उनको वहां से क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक मनरेगा, ज्वार रोजगार योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड होती हैं. प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, इसमें ऐसे गुड्स आती हैं जो कलेक्टिव नीड्स, पूरी की पूरी सोसाइटी की जरूरत के लिए हमें बहुत ही ज्यादा नीडेड होती हैं, लाइक डिफेंस गुड्स, लॉ एंड ऑर्डर गुड्स. जैसे कंट्री को डिफेंस गुड्स मीन्स प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए हमें बहुत तरह की कंट्री को गुड्स चाहिए होती हैं, और ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनके यूज करने से बदले में कुछ नहीं मिलता, ओनली द सेटिस्फेक्शन. सो बजटरी एलोकेशन के अंदर इस तरीके से फंड्स को एलोकेट किया जाता है ताकि जितने भी नेसेसिटी गुड्स हैं वो लोगों को सफिशेंटली प्रोवाइडेड हो सके. नेक्स्ट पॉइंट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. यहाँ पे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या है कि जितनी भी इनइक्वालिटी कंट्री के अंदर प्रिवेल्ड है. अब इनइक्वालिटी कैसे होगी? रिचर सेक्शन ज्यादा रिच, पुअर ज्यादा पुअर, तो दोनों का गैप बहुत ज्यादा है जिससे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. अब इस इनइक्वालिटी को कम करना ही द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से. रिच लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओगे तो उनकी ज्यादा से ज्यादा इनकम गवर्नमेंट के पास जाएगी, एंड पुअर सेक्शन के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे तो उनको बदले में हम क्या देंगे? गवर्नमेंट क्या देगी उनको? सब्सिडीज. सब्सिडीज मिलने से उनकी लाइवलीहुड इजी हो जाएगी. अदर देन दैट जितने भी पुअर पीपल होते हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, लाइक बीपीएल पीपल, द बिलो पॉवर्टी लाइन, उन पीपल्स को फूड ग्रेन्स जैसे राशन कार्ड्स के थ्रू खाना प्रोवाइड करना, द एलपीजी कनेक्शंस, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, उन सब चीजों की देना. लास्ट इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी हेयर मीन्स द कंसिस्टेंसी. तो बजट जो होता है कंट्री के अंदर जितनी भी इन्फ्लेशन डीफ्लेशन की सिचुएशंस आती हैं, जितना भी बिजनेस साइकिल होता है उसको क्लियर या फिर उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है. और ऐसा करने से जो गवर्नमेंट है या फिर जो कंट्री है वो बहुत ही स्मूथली चलती है. अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं है, कंट्री एक ही पेस पे चलेगी तो कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या होगी? स्टेबल. इससे क्या होगा? कंट्री की जब सिचुएशन स्टेबल होगी तो हर कोई इंड्यूज होगा या मोटिवेट होगा पैसा लगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस करने के लिए, क्योंकि वहां पे मंदी के चांसेस बहुत ही कम है. तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है कंट्री के अंदर. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ जाएगा. सो
दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. सो बेसिकली गवर्नमेंट इस तरीके से रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करती है ताकि कंट्री की GDP बढ़ सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएं, और जितनी भी इनइक्वालिटी कंट्री के अंदर प्रिवेल्ड है वो सारी करेक्टेड हो जाएं. सो दिस इज फॉर टूडेज लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट्स.